अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजेश फाकत और आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़। और जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन को चौथे हफ्ते में लॉकडाउन दाखिल हो चुका है। और जहाँ पर अदालत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमने कोरोना के हवाले से लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन को आगाह करते रहे, रिपोर्टें की, अब हमारा जो अदालत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि गरीब की आवाज़ बने, ताकि जो गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग इस लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुए हैं, जिनके घर का निज़ाम जो है वो रोज़मर्रा की जो मजदूरी पे चलता था और मजदूरी बंद होने की वजह से उनका काम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं, पुरानी हटियाँ जो जैन बला के मकाम पर एक घर में मौजूद हैं, जहाँ पर एक भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो दिहाड़ीदार हैं। अपनी जो रोज़मर्रा का गुजर औकात उनका होता है, वो छोटी सी एक रेड़ी लगाते हैं चौक शहीदा में और गुब्बारे बेच के अपना गुजारा करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका काम मुकम्मल तौर पर बंद है। इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं ये भी लॉकडाउन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है? जी इब्रार नाम है मेरा। इब्रार साहब, तो आप क्या कहते हैं, जो दिहाड़ी लगाते थे रोज़ाना, आप गुब्बारे बेच के अपने बच्चों का पेट पालते थे, गुजर औकात हो रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए जहाँ, तो आप क्या कहते हैं, आपके कैसे? जी बेशक जी, ऐसा ही है। मैं भी, आपको पता है कि मैं दिन को गुब्बारे भेज के अपने बच्चों का रोज़गार पैदा करता था और सुकून से रहता था। मकान का किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी है, घर के अखराजात भी हैं। आजकल जो है ना, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुई है, ना ही किराया पूरा होता है, ना ही घर के कोई मामलात हैं, दवाइयों के लिए भी मसाइल होते हैं, माली मदद तो नहीं, चलो राशन के लिहाज से तो कुछ ना कुछ मल्ले में कोई अल्लाह के प्यारे हैं, थोड़ा बहुत हमारे साथ तावन किया है, लेकिन माली हालात में जो है ना, मकान का किराया भी नहीं पूरा हो सकता। आजकल मास्क लगा के बस बैठ जाता हूँ उधर, तो 100-200 रुपये दूध के लिए, और घर में बच्चों की बीमारी भी होती है, दवाइयाँ शवाइयाँ लानी पड़ती हैं, तो बस हालात तो इसी तरह के। अल्लाह पाक बस दुआ करता हूँ कि हर एक को सेहत दे और ईमान दे। कितने बच्चे हैं आपके? जी हमारे 7 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो आप जो है ना, टोटल आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है, आपके गुजर औकात यही से होती थी जो रोटी लगाती है? यही है, इसके अलावा हमारा कोई जरिया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बड़ा किराया कितना मकान का? जी मकान का किराया मैं 7,000 रुपया देता हूँ, बिजली का बिल भी 1,500-2,000 रुपया जाता है कम से कम। आज भी आया मेरे ख्याल में 1,800 रुपया बिल आया हुआ, कोई भी नहीं आया आज तक। बहुत सी हुकूमतें भी आई, सब कुछ किया, ना नवाज शरीफ वाला कार्ड मिला है, ना ही रिलीफ मिला है। हमारे बच्चे का ऑपरेशन था, जब मैं बैतुल माल के दफ्तर में गया था ऊपर, तो उन्होंने मुझे अस्पताल वालों ने भेजा था, यहीं पे DIHK अस्पताल में ऑपरेशन करवाया था आज से 1 महीना पहले, तो उन्होंने मेरे साथ 1 रुपये की भी हेल्प नहीं की थी। उन्होंने बोला कि आपके ज़िले में जो कुछ होगा, तो ज़िले में अगर मैं करता हूँ तो वहाँ भी कुछ भी नहीं है, तो इस लिहाज से मेरी तो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया क्या कि 8 आने भी नहीं है। बाकी जो लोकल लोग हैं वो अल्लाह पाक उनको अजर दे जो हमारे साथ तावन करते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहतयाब रखे और उनको रात दिन अल्लाह पाक उनको तरक्कियाँ दे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनका एक छोटा बच्चा, ये भी बच्चा जो है मज़दूर है, इसके भी जो ये पाँव जिस तरह इनके वालिद के पाँव हैं, इसी तरह इसके भी ये पाँव आगे से ये टेढ़े हैं। ये छोटा बच्चा है और बिल्कुल जैसे इनके वालिद के पाँव हैं, इसी तरह इसके भी पाँव जो है ना वो टेढ़े हैं, तो ये भी सही तरह से चल नहीं सकता। और ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात है कि लॉकडाउन में जहाँ हज़ारों की तादाद में मीरपुर में मुखय्यर हज़रात हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो मदद कर रहे हैं, बहुत सारे गरीबों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर ये घराना भी तवज्जो का मुस्तहिक है। देखने सुनने वाले जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी तरफ यकीनन सामान भी पहुँच रहा है, माली मदद भी हो रही है, लेकिन मुहैया हज़रात से और ज़िली इंतज़ामिया से भी हमारी अपील है कि ये जो भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनके साथ खुसूसी तौर पर तावन किया जाए, इनके बच्चे के इलाज के लिए भी इनके साथ तामन किया जाए, ताकि ये अपने बच्चे का इलाज करवा सकें। अभी तो मेरे पास इस बार का किराया भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 तारीख है, आज 18 तारीख है, 2 दिन रहते हैं किराए को, 20 से 20 मेरा महीना पूरा होता है, तो 7,000 रुपये किराया ज़रूर देना होता है और बिजली का बिल भी 1,800 रुपये आया हुआ है। तो दुआ करें अल्लाह पाक हमारे साथ मदद करने की तौफीक अता फरमाए, और आपकी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके चैनल को तरक्की दे और अल्लाह पाक आपके घर कारोबार में बरकत पाए और अल्लाह पाक से याद करें। जी बिल्कुल, जहाँ पर हमने बताया कि कारोबार बंद है, लेकिन जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो तो मौजूद हैं घर में,
जो मालिक मकान ने किराया भी लेना है, बिजली वालों ने बिल भी भेज दिए हैं, लॉकडाउन तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो रोज़मर्रा के यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं ये तो बिल्कुल भी इसमें कोई माफ़ी नज़र नहीं आ रही, बिल भी भेजे जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खसूसी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया को भी ऐसे लोगों के लिए सोचना चाहिए जिनकी जिनका गुजर औकात सिर्फ दिहाड़ी की पर उनका इनसार था, दिहाड़ी अगर बंद हो गया तो ये बिल्कुल भी ये लोग बेरोजगार और मददगार हैं। इनकी मदद के लिए अगर कोई रब्ता करना चाहे तो अदालत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इनके साथ रब्ता कर सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नासर।